अरमान मलिक और उनकी बीवी की ऐसी सच्चाई जो आपसे छिपाई जा रही है, और प्रियंका चोपड़ा ने बॉलीवुड और हॉलीवुड के बारे में ऐसी क्या सच्चाई बताई कि हॉलीवुड का पर्दाफाश हो गया, और कौन है कालिया बंदर जिसे हो गई उम्र कैद की सजा, इसको एक तांत्रिक ने पाला था फिर इस बंदर ने क्या किया, और एक ऐसी शापित फिल्म जिसकी कहानी पढ़ने वाले की हो जाती है मृत्यु, और दुबई के प्रिंस कैसे उड़ाते हैं अपने करोड़ों रुपए, और टोयोटा मारुति सुजुकी की कार क्यों बेच रही है, और क्या है ये भयानक जीव, देखकर डर जाओगे, तो बने रहिएगा एंड तक। फैक्ट नंबर 12, अरमान मलिक और उनकी दो बीवी सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा फेमस हैं, और अगर आप इनके बारे में जानते हो तो आपको इनकी कहानी तो पता ही होगी कि कैसे कृतिका जी को बस 7 दिन के अंदर अरमान से प्यार हो गया था, जबकि वो जानती थी कि उनकी बेस्ट फ्रेंड यानी पायल अरमान के साथ शादीशुदा है और इनका बच्चा भी है, पर उनका कहना था कि उन्होंने इसमें पायल को कभी भी पीछे नहीं छोड़ा और ये सब कुछ उनकी मर्जी से ही हुआ है। अरमान और कृतिका दोनों को आपस में प्यार हो गया था और उनको मिले बस 7 दिन भी नहीं हुए थे और उन्होंने शादी कर ली, ऐसे में दाल में कुछ ना कुछ तो काला लगता ही है, और इसी वजह से कई लोग मानते हैं कि ये असली कहानी को लोगों से छिपा रहे हैं। अब ये इनका पर्सनल मांजरा है, लेकिन जिस तरीके से ये कहते हैं कि अपनी ऑडियंस से कुछ नहीं छुपाते तो फिर इन बातों को छुपाना गलत है। फैक्ट नंबर 11, ये तो सच है कि एक वक्त में पूरी दुनिया में औरतों को दबाया जाता था, और अगर औरतें काम भी करती थी तो भी उन्हें मर्दों जितना पेमेंट नहीं दिया जाता था, और इसी चीज को पैट्रियकल कहा जाता था, जो आज भी हॉलीवुड और बॉलीवुड में होता है। और जब उसके बारे में प्रियंका चोपड़ा को पूछा गया था तो उनका कहना था कि उनके साथ तो ऐसा बहुत कम बार हुआ है और बॉलीवुड में तो कभी नहीं हुआ, जब वो हॉलीवुड में काम कर रही थी तब उनके साथ ऐसा हुआ था, लेकिन वो कई ऐसी एक्ट्रेस को जानती है जो उनकी दोस्त है और उनके साथ ऐसा हुआ है, और ये बहुत ही ज्यादा गलत है। अगर किसी महिला ने भी उतना ही इम्पोर्टेंट रोल अदा किया है जितना कि किसी पुरुष ने किया है तो दोनों को बराबर का पैसा देना चाहिए, और इसके खिलाफ बॉलीवुड की कई एक्ट्रेस बोल भी रही है, जिस वजह से आगे आने वाली जनरेशन को ये नहीं झेलना पड़ेगा। फैक्ट नंबर 10, दुनिया की 3 सबसे खतरनाक नौकरियां जो आपको नानी याद दिला देगी। सबसे पहला, प्रोडक्ट टेस्टर। जब मार्केट में कोई भी नया प्रोडक्ट आता है तो पहले इनके ऊपर ही या फिर इनके द्वारा ही टेस्ट किया जाता है, फिर चाहे वो प्रोडक्ट कुछ भी हो, चाकू, शील्ड या फिर बम, और हाँ, पहले इसे डमी पर टेस्ट किया जाता है, लेकिन फिर भी सेटिस्फेक्शन के लिए आखिरी टेस्ट इंसान पर किया जाता है। फिर आता है स्नेक मिल्किंग, इसमें सांप के जहर को निकालने का काम किया जाता है, और अगर सांप में जहर है तो ऑटोमेटिक ये काम बहुत ज्यादा खतरनाक बन जाता है। और आखिरी काम है ग्लास ब्रिज टेस्टर। आजकल कूल दिखने के लिए कई ब्रिज ग्लास के बनाए जाते हैं और इन ब्रिज को कुछ लोगों द्वारा टेस्ट किया जाता है। टेस्ट करते वक्त अगर ग्लास टूटा तो समझो व्यक्ति का टिकट कटा। फैक्ट नंबर 9, एक बंदर को हाल ही में उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। आखिर इस बंदर ने ऐसा क्या कर दिया, चलिए जानते हैं। यूपी के मिर्जापुर में 5 साल पहले एक बंदर ने जमकर आतंक मचा रखा था। इस बंदर ने लगभग 250 महिलाओं और बच्चों को अपना शिकार बनाकर गंभीर रूप से घायल किया था। तमाम प्रयासों के बाद भी बंदर को पकड़ा नहीं जा सका, जिसके बाद कानपुर प्राणी उद्यान की टीम ने उसको मिर्जापुर से पकड़ा था। वैसे तो कानपुर चिड़ियाघर में कई ऐसे ही मस्तीखोर बंदर बंद हैं, जिनको अब रिहा करने की तैयारी भी है, लेकिन कालिया को रिहा बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा। दरअसल उसके स्वभाव में सुधार नहीं आया, वो अभी भी पहले की तरह ही आक्रामक है। चिड़ियाघर के डॉक्टर नासिर ने बताया, कालिया को एक तांत्रिक ने पाला था और वो उसे खाने में मांस और पीने के लिए दारू देता था, जिसके चलते उसका स्वभाव बहुत हिंसक हो गया। फैक्ट नंबर 8, एक ऐसी फिल्म है जो 50 साल से बन रही है। एक डायरेक्टर और प्रोड्यूसर अतुक नाम की किताब पर ये फिल्म बनाना चाहते थे, और इस किताब की स्टोरी थोड़ी बहुत फनी है। फिर इसकी स्क्रिप्ट भी लिखी गई, और इसकी स्क्रिप्ट पहले जॉन बेलुशी ने पढ़ी थी और कुछ वक्त बाद उनकी डेथ हो गई। फिर सैम किनिसन को इसकी स्क्रिप्ट दिखाई गई और कुछ वक्त बाद उनकी भी डेथ हो गई। और फिर ये स्क्रिप्ट जॉन कैंडी के पास गई और उनको भी कुछ वक्त बाद हार्ट अटैक आ गया, और उनके एक दोस्त ने भी इस स्क्रिप्ट को पढ़ा था, उनकी भी डेथ हो गई। फिर ये गई क्रिस फेरली के पास और उनकी भी डेथ हो गई, और उनके एक दोस्त ने भी इस स्क्रिप्ट को पढ़ा था, उनकी भी हत्या कर दी गई, और सबकी डेथ एकदम अजीब अजीब तरीके से हुई थी, और इसलिए इसे श्रापित कहा जाता है। फैक्ट नंबर 7, हांगकांग में कई लोग मजे करने जाते हैं, और हमारे लिए तो भले ही ये जगह काफी मजेदार है, लेकिन वहाँ पर रहने वाले लोगों के लिए हांगकांग जेल से कम नहीं है। यहाँ पर सर्वाइव करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर हर एक चीज हद से ज्यादा महंगी है। यहाँ पर अगर आप 50,000 रुपए दोगे तब आपको इतनी सी जगह रेंट करने को मिलेगी जिस पर मुश्किल से आप अपने पैर खोलकर बैठ सके। यहाँ पर लोग भाड़े पर घर नहीं लेते हैं, बल्कि छोटे छोटे कंपार्टमेंट लेते हैं जो कि एक ही घर में बनाए जाते हैं। यहाँ एक घर में 16 से ज्यादा लोग रहते हैं, जिनको ऐसे छोटे छोटे बक्से दिए जाते हैं। इससे ज्यादा अच्छी जिंदगी तो जेल में होती है। इतनी सी जगह के इनको 2000 हांगकांग मनी यानी कि इंडिया के 50,000 रुपए देने पड़ते हैं। फैक्ट नंबर 6, दोस्तों एक बार इस फोटो को देखिए। इस फोटो में आपको बहुत ही ज्यादा भयानक किसी जीव के दांत दिख रहे होंगे।
होंगे और इसे देखकर आपको जरूर लग रहा होगा कि ये पक्का किसी दानव के दांत हैं, लेकिन आपको जानकर यकीन नहीं होगा कि एक मासूम से टर्टल के दांत हैं। पानी में रहने वाले कई टर्टल की प्रजाति के दांत ऐसे ही दिखते हैं, लेकिन आप राहत की सांस ले सकते हो क्योंकि ये असली दांत नहीं है। इसे पेपैले कहा जाता है, जो कि नुकीले दिखते हैं लेकिन होता नहीं है, क्योंकि ये टिश्यू के बने होते हैं और ये किसी चीज को काटने के लिए नहीं बल्कि इनके शिकार को इनके मुंह से निकलने से रोकते हैं। फैक्ट नंबर 5, मिट्टी से बने छोटे मोटे सैंड कैसल तो आपने भी कई बार देखे होंगे, लेकिन एक बार जरा इसको देखिए। ये दुनिया का सबसे बड़ा सैंड कैसल कहा जाता है। ये बहुत ही ज्यादा ऊंचा है और इसे बनाने में पूरी एक टीम लगी थी और इस टीम के मेंबर जर्मनी के थे। इसे बनाने में एक कई दिनों का समय लगा था, लेकिन अफसोस गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड वाले इसे नोट करते उससे पहले ये गिर गया, लेकिन फिर भी इस वीडियो में आप देख सकते हो ये कितना ज्यादा कमाल का बना हुआ था। अगर ये कंप्लीट हो जाता है तो काफी अच्छा होता। फैक्ट नंबर 4, आज के टाइम में अट्रैक्टिव दिखने के लिए लोग जिम जाते हैं, पतले होते हैं और कमाल की बॉडी बनाते हैं, लेकिन इथोपिया की बॉडी जनजाति के लोग बड़े अजीब हैं। इस जनजाति में सबसे आकर्षित पुरुष उस व्यक्ति को कहा जाता है जिसका पेट सबसे ज्यादा बड़ा होता है, और यहाँ की महिला भी बहुत ही ज्यादा बड़े पेट वाले लड़कों को ही पसंद करती है। और आपको नहीं पता होगा, लेकिन यहाँ पर ब्यूटी पेजेंट भी होता है जिसमें सबसे बड़े पेट वाला व्यक्ति जीत जाता है। इस कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेने के बाद वो आदमी बाकी सबसे रिश्ता कुछ वक्त के लिए तोड़ देता है। इस दौरान वो एक झोपड़ी में रहता है। खाने के लिए गाय के दूध और खून के मिश्रण का इस्तेमाल करते हैं। गांव की महिलाएं हर दिन पुरुषों को खाने के लिए ये मिश्रण देती हैं। ये भले ही गाय का खून पीते हैं, लेकिन वो गाय को काफी ज्यादा पवित्र मानते हैं। फैक्ट नंबर 3, क्या आपको पता है टोयोटा जो है वो मारुति सुजुकी की कार बेच रही है। आप अगर टोयोटा का इनोवा और फॉर्च्यूनर को छोड़कर बाकी सारी कार देखोगे तो ज्यादातर मारुति सुजुकी की कार की तरह ही लगती है। बस फर्क ये है कि उनके डिजाइन में थोड़े चेंज डाल दिए जाते हैं और उनके लोगों को चेंज कर दिया जाता है, और अंदर से बस थोड़ा बहुत इंटीरियर चेंज किया जाता है। और ये बातें हम तुक्का नहीं मार रहे, बल्कि एक्चुअली में ये सच है। टोयोटा की एक के बाद एक कई कार फेल होने के बाद उन्होंने ये सोचा था कि वो इंडियन मार्केट में अपनी नई मॉडल की कार बेचेंगे ही नहीं, और इसलिए उन्होंने मारुति सुजुकी के साथ ही ये डील की थी जिसमें ग्लोबल मार्केट में वो अपने इंजन के पार्ट्स और कई सारी चीजें मारुति सुजुकी को देने वाली थी, और मारुति सुजुकी अपनी पॉपुलर कार को टोयोटा को इंडिया में बेचने के लिए देने वाली थी। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले इस फोटो को ध्यान से देखिए और बताइए आपको किसका फोटो दिखाई दे रहा है। इससे पता लगेगा आपका दिमाग और आपकी आंखें कितनी तेज है। आपको मिलते हैं 5 सेकेंड। फैक्ट नंबर 2, ये मकड़ी अभी आपको दिख रही है ये काफी ज्यादा अजीब मकड़ी है क्योंकि ये आधी मरी हुई है। इस मकड़ी को जोम्बी स्पाइडर कहा जाता है। एक पैरासाइट होता है जो कि मकड़ी की बॉडी में चला जाता है और फिर मकड़ी की बॉडी पर एक फंगस या फिर एक मोल्ड की तरह परत बना देता है, और इसकी वजह से ये जो मकड़ी है वो अंदर तक मर चुकी होती है, लेकिन वो पूरी तरह से मरती नहीं है और आधी ही मरती है, जिस वजह से वो अभी भी चल फिर सकती है और ये बहुत ही ज्यादा क्रीपी लगता है। फैक्ट नंबर 1, दुबई के इन दोनों प्रिंस के शौक देखकर आपके छोड़ जाएंगे। पहले तलाल बिन अब्दुल अजीज भाई, इनके पास है $4.8 बिलियन की मर्सिडीज बेंज, और इस मर्सिडीज पर लिटरेरी हीरे लगे हुए हैं, और साथ ही इनके पास एक बोइंग 747 प्लेन भी है जो कि 400 मिलियन का है, और इन्होंने 280 मिलियन और खर्च करके इसे मॉडिफाई करवाया है, और इसके अंदर एक सोने का सिंहासन भी रखा हुआ है। फिर आते हैं किंग अब्दुल्ला, इन्होंने अपनी बेटी को सोने का कमोड गिफ्ट किया है, यानी कि पूरा बाथरूम सोने से बना हुआ था, और वही उनकी बेटी ने शादी में जो ड्रेस पहनी थी वो भी पूरी सोने की बनी हुई थी, जैसे आपको दिख रहा होगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें, साथ ही हमें कमेंट करके बताएं कि आपको इनमें से कौन सा फैक्ट सबसे ज्यादा मजेदार लगा। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो और ढेर सारी रोचक जानकारियों के साथ।